डोमेन और रेंज की सीरीज में बच्चों जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डोमेन रेंज में अगला क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स और इसकी जो है रेंज फाइंड करना है। इस क्वेश्चन को देखते ही कई बच्चे धोखा खा जाएंगे क्योंकि साइन एक्स की जो रेंज होती है वो माइनस वन से प्लस वन के बीच में होती है। थोड़ा सा ध्यान करिए, साइन एक्स की जो रेंज होती है वो क्लोज इंटरवल में माइनस वन से प्लस वन होती है। बट आप थोड़ा सा गौर करिए, यहाँ पर जो है साइन एक्स जो है ब्रैकेट के अंदर लिखा है और ये जो सिंबल होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्या होता है फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर, ध्यान दीजिएगा, 0, 1, 2, 3 up to plus infinite माइनस वन माइनस टू और अप टू माइनस इन्फाइट। ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शन ये ब्रैकेट के अंदर होता है। फॉर एग्जांपल 1.2 है, इसकी वैल्यू 1 आएगी, इसकी वैल्यू 1.3 है वैल्यू 1 आएगी, 1.5 है इसकी वैल्यू 1 आएगी, 1.9 तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 नहीं 1 ही रहेगी इसकी वैल्यू। यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब 0 से 1 के बीच की सारी वैल्यू ग्रेटेस्ट में क्या होंगी, 0। जब एग्जैक्ट 2 आएगी तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। 1 से 2 के बीच में सारी वैल्यू 1 आएगी, 2 से 3 के बीच की वैल्यू 2 आएगी, माइनस 1 से 0 की बीच वैल्यू माइनस 1 आएगी, 0 से 1 के बीच में वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। यानी किसी क्वेश्चन में 0.9 लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो 0.9 का मतलब 9 तो नहीं पहुँच पाया ना, 0.9 का मतलब 9 तो नहीं पहुंच पाएगा ना, 1 तो नहीं पहुंच पाएगा ना, तो इसकी ग्रेटेस्ट क्या आएगी, 0 तक ग्रेटेस्ट आएगी, बाकी यहाँ पर रहेगा। फॉर एग्जांपल जैसे किसी क्वेश्चन में या आप अपनी पॉकेट में कुछ पैसे रखना चाहते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा आपने आज 3300 रुपये कमाए, तो आप अपनी पॉकेट में से 3000 रुपये निकाल कर आप घर पर रख देंगे और 300 रुपये पॉकेट डाल देंगे। मान लीजिए 3450 रुपये आपने कमा लिए और आपको जो है ग्रेटेस्ट में रखना है, तो आप घर पे क्या रख देंगे, 3400 रुपये घर पे रख देंगे, 50 रुपये खर्चे के लिए लेंगे। ऐसा तो बिल्कुल नहीं करेंगे कि 3450 रुपये कमाए और 3500 रुपये आप जो है घर पे रख दो। मेरी बात समझ गए होंगे कि आप जितना कमा रहे हैं वहाँ तक लिमिट है, उससे पीछे जा सकते हैं, उसके आगे तो नहीं बढ़ सकते ना। आप 3990 रुपये आपने कमाए तो इसका मतलब ये तो नहीं कहीं से कि आपने घर पे बोल दिए 4000 रुपये रख दो। आपको ग्रेटेस्ट लिखना है तो आप क्वेश्चंस में 3900 रुपये ही लिख सकते हो। ऐसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट क्या आएगा, 0 आएगा। सो यहाँ इस क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसकी डोमेन रियल नंबर होगी, यानी वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पर इसकी वैल्यू हम लोग कुछ भी पुट कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन है हमारे पास में साइन एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर लिखा हुआ 0, -1 और 1 आगे भी चला जाएगा इन्फिनिट तक। अब माइनस वन के बीच की जितनी वैल्यू होंगी सारी वैल्यू जो है इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस वन आएगी, 0 और 1 के बीच की सारी वैल्यू 0 आएंगी और एग्जैक्ट जब 1 आएगी तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। सो इस क्वेश्चन में क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ कितनी, 3 वैल्यू होंगी, कौन कौन सी, माइनस वन होंगी, 0 होंगी और 1 होगी। जबकि साइन एक्स का जो इंटरवल होता है माइनस वन से प्लस वन के बीच में होता है, तो माइनस वन से प्लस वन के बीच की सारी वैल्यू ही नहीं, इनफिनाइट वैल्यू होंगी। सो इस क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स दे रखा है, सो इसकी करेक्ट वैल्यू क्या होगी, माइनस वन, 0 और 1 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों, हम देखते हैं इसी में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोमेन फाइंड करना है क्वेश्चंस का। क्वेश्चन है रूट के अंदर 4x - x² और इसका कैलकुलेट करना है डोमेन, और इसकी जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन -4 से 4 क्लोज इंटरवल, दूसरा ऑप्शन है 0 से 4 क्लोज इंटरवल, और तीसरा ऑप्शन है क्लोज इंटरवल 0 से 4 ओपन है, और चौथा ऑप्शन है 0 से 4 क्लोज इंटरवल है। ये क्वेश्चन का आंसर है। हमें इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करना है क्या होगा। सो डोमेन के बारे में आपने कुछ बताया था शायद हमने जो है,
पिछली वीडियो में कि रूट के अंदर जो वैल्यू लिखी होगी रूट के अंदर ही एक्स लिखा होगा तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो या जीरो से बड़ी होनी चाहिए। सो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि वैल्यू हमारे पास में 4x है माइनस एक्स स्क्वायर है और इसकी वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी होनी चाहिए। यहाँ से एक्स कॉमन आ जाएगा तो क्या आएगा, 4 माइनस एक्स की वैल्यू आएगी जीरो या जीरो से क्या आएगा, बड़ा आएगा हमें। अब दो नंबर का मल्टीप्लाई, एक नंबर ही हो गया दूसरा नंबर, दो नंबर का मल्टीप्लाई जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा मतलब क्या आएगा, पॉजिटिव। अब आप ध्यान दीजिएगा दो नंबर का मल्टीप्लाई यदि हमें पॉजिटिव लाना है तो वो दोनों नंबर या तो पॉजिटिव होंगे या तो दोनों नंबर कैसे होंगे, निगेटिव। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को ठीक से समझिएगा क्या बताया मैंने, दो नंबर का मल्टीप्लाई पॉजिटिव तभी हो सकता है या तो दोनों नंबर पॉजिटिव हो या दोनों नंबर कैसे हो, निगेटिव, तभी इनका मल्टीप्लाई भी क्या होगा, निगेटिव ही होगा, सॉरी पॉजिटिव ही होगा। यहाँ पर आप चाहें तो ग्राफ मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। हमें इसका जो रिजल्ट है वो या तो प्लस प्लस होना चाहिए या तो माइनस प्लस होना चाहिए। यदि इसका रिजल्ट प्लस माइनस और माइनस प्लस आता है तो ये 100% नहीं होगा। यहाँ पर x बराबर जीरो करिए, एक बार x बराबर जीरो करिए, 4 माइनस एक्स की वैल्यू जीरो आएगी, यहाँ 4 माइनस एक्स की वैल्यू जीरो, x की वैल्यू बच्चों की आएगी 4 आएगी। तो हमारे पास दो पॉइंट यहाँ पर इंडिकेट में हो गए, या तो वैल्यू इधर चेक कर लीजिए या तो बीच में चेक कर लीजिए या इस तरफ चेक कर लीजिए। चलिए हम इस तरफ वैल्यू चेक करते हैं, जीरो के बाद में क्या आएगा, माइनस वन। ये माइनस वन यहाँ पर पुट करिए, यहाँ माइनस वन पुट किया माइनस वन आ गया, यहाँ पुट करिए 4 माइनस माइनस प्लस 5 आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये नेगेटिव आया और ये कैसा आ गया, पॉजिटिव, और नेगेटिव पॉजिटिव। हमें अपने क्वेश्चन में या तो प्लस प्लस चाहिए या हमें अपने क्वेश्चन में माइनस माइनस चाहिए, हमें अपने क्वेश्चन में या तो प्लस प्लस चाहिए या हमें अपने क्वेश्चन में माइनस माइनस चाहिए। यहाँ पर हमारे पास माइनस प्लस आ रहा, सो इधर की वैल्यू बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हुई। आप जीरो के बाद में इधर, सॉरी चार के बाद में चेक कर लीजिए, मान लीजिए क्या लिखा है, 5। चार के बाद इधर क्या लिखा है, 5। 5 चेक करते हैं, यहाँ रखिए 5, 4 में से एक गया, यहाँ पर माइनस वन आ गया। आप देख सकते हैं ये प्लस आ गया और ये माइनस आ गया, और हमें या तो प्लस प्लस चाहिए या तो हमें माइनस माइनस चाहिए। सो 100% इधर की वैल्यू भी सेटिस्फाई नहीं होगी। इसकी बीच की वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही, एक बार ये भी चेक कर लेते हैं। 0 और 4 के बीच में मान लेते हैं, 2 ले लूँ, 3 ले लूँ, कुछ भी ले लूँ, मान लो मैंने 2 ले लिया, 2 रखिए, यहाँ पर कितना आएगा, 2 आएगा। 4 में 2 गया कितना आएगा, 2 आएगा। ये भी प्लस आ गया, ये भी प्लस आ गया, ये प्लस प्लस आ गया, सो ये वैल्यू क्या होगी, सेटिस्फाई। सो हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा वो 0 लेस देन एक्स और लेस देन क्या आएगा, 4 आएगा, और इसी कैटेगरी हम लोग जानते हैं क्लोज इंटरवल आएगा 0 से कितना, 4 आएगा। इसकी जो कैटेगरी हम लोग जानते हैं कितना आएगा बच्चों, 0 से 4 आएगा क्लोज इंटरवल। सो इसका जो आंसर आएगा, करेक्ट आंसर कितना आएगा, 0 से 4। तो डोमेन और रेंज में अब तक काफ़ी हद तक कुछ कैलकुलेट हो गया होगा, आपने बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था उन्हें आपने प्रिपेयर कर लिया होगा। उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन लिए हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखते हैं कि और क्वेश्चंस क्या हो सकता है, ये उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखते हैं इसी में हम लोग ने एक क्वेश्चन लिया है, ए साइन एक्स, ये एक इक्वेशन है। इसके पहले एक एग्जांपल सीखते हैं। जैसे किसी क्वेश्चन में साइन एक्स लिखा हुआ है तो इसकी जो रेंज होती है वो माइनस वन से प्लस वन होती है। क्वेश्चन में यदि 2 साइन एक्स लिख दिया जाए जिसकी जो रेंज होगी वो माइनस टू से प्लस टू होगी, क्लोज इंटरवल। इसी प्रकार 3 साइन एक्स लिख दिया जाए तो इसकी जो रेंज होगी वो माइनस थ्री से प्लस थ्री हो जाएगी। सिमिलरली यदि कॉस एक्स लिया जाए तो इसकी रेंज क्या होगी, माइनस वन से प्लस वन होगी, ये इसकी रेंज होती है। यदि 4 कॉस एक्स ले लिया जाए तो इसकी जो रेंज होगी वो माइनस वन से प्लस वन होगी। लेकिन साइन कॉस क्वेश्चन में एक साथ ही आ जाते हैं तो क्वेश्चन को टोटल यदि साइन में कन्वर्ट करना होगा ये, तो क्वेश्चन को टोटल कॉस में कन्वर्ट करना होगा। जैसे क्वेश्चन में ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, इसकी रेंज की यदि बात करते हम लोग तो या तो क्वेश्चन को टोटल साइन में कन्वर्ट करना होगा या तो क्वेश्चन को टोटल कॉस में कन्वर्ट करना होगा। कन्वर्ट करने के बाद जो रिजल्ट आता है तो इसकी जो रेंज आती है वो ए और बी रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्लोज इंटरवल में, और इधर भी सेम होगी रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर, बाहर क्या होगा, माइनस। सो इस क्वेश्चन की जो रेंज होगी वो डोमेन इस क्वेश्चन का क्या होगा, रियल नंबर होगा। इस क्वेश्चन का डोमेन क्या होगा, रियल नंबर, क्योंकि यहाँ पर हम एक्स की हर एक वैल्यू पुट कर सकते हैं। और हमने आपको शायद बताया था डोमेन लास्ट वीडियो में कि डोमेन क्या होता है, क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं। हमें हमारे क्वेश्चन में इन्फाइनाइट नहीं आना चाहिए,
रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, लॉग के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, लॉग जीरो नहीं आना चाहिए। यहाँ लॉग है ही नहीं है तो जीरो आने का तो क्वेश्चन ही नहीं, नेगेटिव आने का भी क्वेश्चन नहीं है। यहाँ अपान में कोई वैल्यू नहीं है तो इन्फिनाइट भी नहीं आएगा, रूट नहीं लगा तो नेगेटिव नहीं आएगा, तो इसका डोमेन तो रियल नंबर हो ही जाएगा। मैंने आपको बताया तो डोमेन सभी सभी का रियल नंबर हो जाएगा, बस आप देखिए कंडीशन फॉलो करनी चाहिए। सो यहाँ पर इसका जो रेंज आएगी वो क्या आएगी, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्लोज इंटरवल में, और रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्लोज इंटरवल में ए इसकी जो है रेंज आ जाएगी। सेम क्वेश्चन देखो बच्चों लिखा हुआ है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इसकी रेंज आएगी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, डी पार्ट। यहाँ पर सेम क्वेश्चन लिखा है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इसकी रेंज फाइंड करना है, तो इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ लिख लिया साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स। ऊपर वाले क्वेश्चन से कंपेयर करके ए और बी की वैल्यू बताएं, वन और वन, ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, वन आ गई, बी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस वन। इसकी जो रेंज आएगी वो क्या आएगी, माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर और रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो इसकी जो रेंज आएगी माइनस टू से टू और कैसी आएगी, क्लोज इंटरवल। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो माइनस रूट टू से रूट टू। इसकी जो रेंज आएगी वो क्या आएगी, सॉरी इसकी जो डोमेन आएगी वो क्या होगी, रियल नंबर होगी, बट रेंज क्या होगी, माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। किसी क्वेश्चन में लिखा है थ्री कॉस एक्स प्लस फोर साइन एक्स, यदि क्वेश्चन में बात करें इसकी जो रेंज की बात करते हैं हम लोग, इसकी रेंज क्या आएगी, तो रूट के अंदर तीन का स्क्वायर नौ, चार का सोलह, नौ पच्चीस, वर्गमूल कितना आएगा पाँच। इसकी रेंज क्या आएगी, माइनस पाँच से प्लस पाँच को क्लोज इंटरवल। ये क्वेश्चन बना सकते हैं और ये आसंस। तो साइन कास में कोई क्वेश्चन यदि समीकरण में आ जा रहा है तो उसकी जो रेंज होगी वो ये होगी, डोमेन होगा इसका रियल नंबर। देखिए इसी क्वेश्चन में जो है, इसी रेंज में मैंने एक क्वेश्चन लिया एफ एक्स इज इक्वल टू साइन साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इसकी फाइंड आउट करनी रेंज। लास्ट वीडियो मैंने डिस्कस किया था कि यदि किसी क्वेश्चन में यदि सॉल्व करने के बाद में कोई संख्या बचती है तो वो संख्या ही उस क्वेश्चन की रेंज हो जाएगी। जिन बच्चों ने पिछला वीडियो में देखा हो ध्यानपूर्वक जो है उस वीडियो को देखिए और उसमें कैलकुलेट करिए कि मैंने क्या क्या बताया था, उनको ठीक से नोट करिए पॉइंट टू पॉइंट, आपको आगे आने वाले क्वेश्चन 100% जो है निश्चित तौर पर आ जाएंगे। तो जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू लिखा हुआ है क्वेश्चन में साइन साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाई टू, तो ये वैल्यू क्या आएगी, साइन पाई बाई टू और इसकी वैल्यू क्या होगी, वन। तो आप देख रहे क्वेश्चन को सॉल्व करने पे हमारे पास सिर्फ एक सिंगल वैल्यू बच रही है, वन आ गई। तो ये क्वेश्चन की इसी की रेंज होगी, और बताया था मैंने आपको कि डोमेन रेंज कैसेट थ्योरी में जो भी आंसर होते हैं वो एक कर्ली ब्रैकेट में होते हैं। सो इस क्वेश्चन की जो रेंज होगी क्या होगी, वन होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिए आप ध्यान से इसकी रेंज पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, ये एक पॉजिटिव नंबर है, मॉड ऑफ एक्स एक कैसा है, पॉजिटिव नंबर है। और पॉजिटिव नंबर के बारे में लास्ट वीडियो देखिए, मैंने खूब अच्छी तरीके से डिस्कस किया है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, जो भी पॉजिटिव नंबर होता है उसकी जो रेंज होती है वो कैप क्लोज इंटरवल जीरो से इन्फाइनाइट होता है। आप ठीक से देखिएगा लास्ट वीडियो जो है आप चलाइए और उसमें देखिए कि मैंने इसके बारे में डिस्कस किया है किसी भी नंबर में। यहाँ मॉड लिखा हुआ है मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, इसमें कोई भी वैल्यू पुट करें एक्स की, डोमेन तो इसका क्या होगा, रियल नंबर होगा, बट रेंज होगी वो रेंज क्या होगी, रेंज होगी क्लोज नंबर जीरो से, क्लोज इंटरवल जीरो से इन्फाइनाइट तक जो है, क्योंकि इसका जो भी रिजल्ट होगा कैसा होगा, पॉजिटिव। देखिए बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, ये फार्मूला बन गया है और इस फार्मूले में जो है क्या हो सकता है, क्वेश्चन पूछा गया है रेंज ऑफ दी फंक्शन। ये बच्चों सिग्नम मॉड एक्स अपॉन एक्स, ये जो फंक्शन होता है ये सिग्नम फंक्शन कहलाता है। सिग्नम फंक्शन क्या कहलाता है, ये सिग्नम फंक्शन मॉड एक्स अपान एक्स सिग्नम फंक्शन है। इसकी जो डोमेन होती है वो रियल नंबर होती है और इसकी जो रेंज होती है वो फिक्स है, सिर्फ तीन वैल्यू होती है, माइनस वन, जीरो और वन। इम्पोर्टेंट है ये फार्मूला, एक प्रकार का फंक्शन होता है, आप इसे याद कर लीजिए, ये सिग्नम फंक्शन है, ये पूरा ही क्या है, सिग्नम फंक्शन है। ध्यान दीजिएगा इसकी रेंज क्या होगी, माइनस वन, जीरो और वन, डोमेन इसका क्या होगा, रियल नंबर, सिग्नम फंक्शन है, याद रखिएगा ये सिग्नम फंक्शन है। रेंज इसकी माइनस वन, जीरो और वन, तीन एलिमेंट ही होते हैं केवल, इसको आपको याद करना होगा क्योंकि ये एक फॉर्मूला है।
देखने में जरूर लग रहा है क्वेश्चन की बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा यार, इसकी डोमेन कैसे कैलकुलेट करेंगे, पर वास्तविकता में क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। कल की वीडियो में मैंने आपको डिस्कस कराया था लास्ट ईयर की लास्ट वीडियो में, 1/5 जैसे लिखा है x माइनस वन, एक्स की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए क्योंकि 1 से क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। 1/x + 1 आ जाए तो x की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए क्योंकि इन्फिनाइट आ जाएगा, लेकिन यार दोस्तों 1/x² + 1 आ जाएगा। इसकी डोमेन क्या होगी, रियल नंबर में से 1 हटा देंगे तो डोमेन आएगी, इसकी डोमेन क्या होगी, रियल नंबर में से -1 हटा देंगे तो डोमेन होगी, या तो 0 होगा ही ना। हमें अपने क्वेश्चन में 1/0 होने से बचाना है, हमें अपने क्वेश्चन में 1/0 से बचाना है, यहाँ 0 हो ही नहीं पाएगा, वैल्यू तो रियल पुट कर रहा है ना। सो इस क्वेश्चन की जो डोमेन क्या होगी, रियल नंबर, आप देख सकते हैं x² होने के चक्कर में नीचे वाली वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, 0 बिल्कुल भी नहीं आएगा, किसी भी प्रकार से 0 नहीं आएगा। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा, डोमेन क्या आएगा, कैपिटल R। एक क्वेश्चन मैंने लास्ट में लिया हुआ है, f(x) = x - greatest integer x, फाइंड करना है इसमें रेंज, ये चार इसके ऑप्शन है। अभी भी मैंने जो है 5 मिनट पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था। सो ये बच्चों आपके लिए होमवर्क हो गया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप बताइएगा क्या इसका आंसर आ रहा, और यदि आपको क्वेश्चन ना सॉल्व हो पाया तो मुझे कमेंट कर जरूर करिएगा, मैं नेक्स्ट टाइम पे इसको सॉल्व करके बताऊंगा आपको जो है। सो डोमेन और रेंज के लगभग मैंने 3 वीडियो डाल दीजिए, अब नेक्स्ट वीडियो जो है हम आपके लिए डिफ्रेंशिएशन का लेकर आएंगे। आप जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से नोट्स बनाइए, और जहां पर भी आपको प्रॉब्लम आ रही मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसको जो है कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके नए वीडियो में जो है उससे अच्छे और बेहतर तरीके लेके आऊंगा जो है। ओके।